हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो फेज़ टू है, अगर आप उसमें अपेयर हो रहे हैं, अगर आप उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो आपके लिए जो जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज से आएंगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि अभी हाल में हुए थे, सबसे पहले उनमें हम क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज के देखेंगे, क्योंकि उन लोगों को जो क्वेश्चन पेपर था जनरल स्टडीज़ का ही दिया गया था, जिसमें उनके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं प्राइमरी लेवल पे, कि प्राइमरी लेवल में पेपर कैसा आया था। ठीक है, जनरल स्टडीज़ का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर मैथ के क्वेश्चन थे, कुछ मैथ के क्वेश्चन आई थिंक 16 क्वेश्चन थे मैथ के। ठीक है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे 40 मार्क्स, जो कि हमारे 40 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल स्टडीज़ के, मतलब सामान्य अध्ययन के, जो कि आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। साइंस साइंस रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, साइंस के किसी भी पार्ट से। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और पॉलिटी रहेगा आपका, ज्योग्राफी रहेगा, बिहार का ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, एनवायरनमेंट साइंस रहेगा जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहता है। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में जानेंगे, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जब हम अगला पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 87 से 88 क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जनरल स्टडीज़ के। वो इसी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, क्वेश्चन फटाफट मैं डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस आपको देख लेने, जहाँ पे क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आने, वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है और देख लेना कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम भूस्थिर उपग्रह घूमता है, ये देखिए सभी में ना 5 ऑप्शन सबसे पहले आपको दिए होंगे, तो आराम से ऑप्शंस को पढ़ करके ही जवाब देना है। ठीक है, हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके आंसर पढ़ते हुए आगे चलेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन था भूस्थिर उपग्रह, जो उपग्रह होता है, जो मतलब स्पेस में रहते हैं, वो घूमता है, तो कहाँ पे होता है, तो ये स्थिर ऊंचाई पर, जहाँ पे हम भेजते हैं, जैसे जहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये स्थिर होकर के जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू कर दे। कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो प्रिज्म द्वारा जो है सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो यहाँ पे बैंगनी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। अब जब भी बादल गरजने लगे तो आप क्या करें, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लें। ठीक है, यहाँ पे मेन ऑप्शन क्या रहेगा, तीन ही ये मेन ऑप्शन रहेंगे, बाकी ये जो ऑप्शंस हैं बहुत ही कम ही क्वेश्चंस में इसके आंसर्स रहेंगे या बनेंगे, अदरवाइज आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं और बहुत ही आसानी से आप एलिमिनेट कर लेंगे, बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है थोड़ा आपको आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, जब कोई भी वस्तु नीचे पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा क्या रहती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। देखिए, जो आंसर्स हैं ये ऑफिशियल आंसर की से मिलाए हुए हैं, मैच किए हुए हैं, तो इसमें फिर भी कोई भी डाउट नहीं करना है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। जो नेत्रदान होता है तो उसमें दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, तो कॉर्निया को हम लोग मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया को निकालते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, कोबालामिन है। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप वीडियो की स्पीड जो है ऊपर कॉर्नर पे जाकर के वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है, तो यहाँ पे हल्दी रहेगा। कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है, हल्दी जो है वो अम्ल क्षार का संकेत है। जब मृदा अति क्षारीय हो, उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो कार्बनिक पदार्थ हमको अगर मृदा मिला देंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि फॉरेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, फॉरेनहाइट पैमाने पर परम शून्य की बात यहाँ पे की जा रही है, का मान कितना होता है, तो -459.4 डिग्री फॉरेनहाइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उदासीनीकरण। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है,
जब ऊर्जा उत्पादन होता है तो उसके लिए कोशिका जो है वो किसका प्रायः उपयोग करती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जो है पीएच मान क्या होता है, वो 7 से कम होगा। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है। पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है पुरुष में यौन अंगों का विकास करना, सभी अंगों को विकसित वृद्धि को प्रोत्साहित करना और शक्कर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे दोनों ऊपर के राइट आंसर हो जाएंगे। पीयूष ग्रंथि जो है वो पुरुष में यौन अंगों का विकास करती है और सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर रक्तचाप को पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम जो है वो रक्तचाप को, जो मस्तिष्क में रक्तचाप जो भी रक्त मतलब दौड़ता है उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 GB बराबर होता है 1024 MB के बराबर होता है, 1024 MB जो है बराबर 1 GB होता है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। अमित छत्री हैं उनको नियुक्त किया गया है। भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं। यहाँ पे अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे 888 लगा देंगे। यहाँ पे कुल सीटों की बात की जा रही है, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1272। ओके, फिर नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजी क्लेम, ठीक है, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। जब भी बीमा आपका जब भी दावा करना है तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। जो भी मतलब उनका बीमा हुआ होगा तो उस बीमे का कितना प्रतिशत आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10% मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। रिट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मौलिक अधिकारों को जब भी कहीं हनन हो रहा हो और उनको दोबारा लागू करना हो तो रिट जारी करके आप मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो चीन ने जो है एयरबस और बोइंग से मुकाबले के लिए C919 जो है वो बनाया हुआ है जहाज। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो यहाँ पे कौन सा बांध, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो महानदी पर हीराकुंद बांध है और आई थिंक जो दूसरा बांध है वो घुमरा पदर बांध है, क्योंकि दुधवा बांध जो है ये दुधवा बांध मुझे नहीं लगता है यहाँ पे इसका राइट आंसर ये होगा। आप लोग चाहें तो एक बार देख सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे दो ये राइट आंसर लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से राइट आंसर यहाँ पे आपका डी ही हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब दो पे यहाँ पे बात की जा रही है। कृतिराज सिंह का किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से कृषाथ जो सिंह है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किसका जिला जो है सर्वोच्च, कौन सा जिला जो है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे सिवान हो जाएगा। नेक्स्ट है अलक्सा मस्जिद जो हाल ही खबरों में किस शहर में, जेरूसलम में है, ठीक है, और जेरूसलम कहाँ पर है, वो इज़राइल में है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो यहाँ पे नाटो का सदस्य है जो यहाँ पे तीनों हैं, बेल्जियम, कनाडा और डेनमार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य देखिए डेनमार्क नहीं है, फिनलैंड है, क्योंकि डेनमार्क यहाँ पे नहीं है, ठीक है, फिनलैंड है। डेनमार्क की जो सदस्यता है वो तुर्की रोक रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, तो वो तक्षशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किससे साथ संबंध था। तो G20 का ये कह सकते हैं थीम था, ठीक है, G20 का ये थीम था, तो इसीलिए ये मतलब वन फैमिली वन फ्यूचर एंड वन अर्थ, ये G20 का जो है एक तरीके से कह सकते हैं वो थीम था। हर बार जो है G20 अपना होता है, हर साल होता है, नेक्स्ट ईयर का जो G20 है वो ब्राज़ील में होने वाला है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो बोल सुनारो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे क्वाड 4 देशों का एक राजनीतिक मंच है, बिल्कुल सही है, और इसकी उत्पत्ति जो है वो 2004 में हुई थी, जो जापान के सीएम थे वो थे पीएम थे शिंजो आबे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है, 1781 में जो विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो आंसर यहाँ पे आपके सही हैं। या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, या जमींदारों द्वारा था, या अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, मुझे फ़िलहाल के लिए आंसर पता नहीं है, मैं आपको
देख के यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसको करके बता दूंगा, मुझे याद था बट मैं भूल गया हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत गठबंध के क्षेत्र में आता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने जो है डी क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब यहाँ पे आपको शीत गठबंध क्या है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो शीत गठबंध जो है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा यहाँ पे ये सही है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो है वो स्थित क्षेत्र है। देखिए यहाँ ध्रुव वृत्त जो बात की जा रही है, मतलब जो ये पृथ्वी है आपकी, सॉरी ये जो पृथ्वी है आपकी, देखिए ये जो पृथ्वी है, तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो ये है ना, ये इसका और अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र को, ठीक है, ये जो यहाँ पे ये है ना, ये तो इसके जो बीच स्थित जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, शीत गठबंध कहते हैं। तो बिल्कुल ये सही है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पे कहाँ से क्या सही हो गया कि एक से अधिक आंसर है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या जो है वो 6 लाख है, बाकी यहाँ पे जो अदर ऑप्शन हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय में हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सतलुज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो कुमाऊँ हिमालय को हम सतलुज और काली नदियों के बीच के हिमालय के नाम से जानते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति, मतलब 1952 की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो 1952 में कितने परसेंट की बात कही गई थी, 33% जो था वो वन था। ओके, फिर नेक्स्ट है कि स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का जो विस्तार है वो क्या है। तो यहाँ पे विंध्यांचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजॉन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया। अमेजॉन बेसिन जो है में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो यहाँ पे मलोका जो है वो नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन कौन है। तो यहाँ पे दिल्ली रिज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री है और अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं जो इन मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जो बीच के जो जल का जो तंत्र है वो ये सब जो है इनसे हो के पानी जाता है। फिर नेक्स्ट है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका उत्तर पश्चिम में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये उत्तर पश्चिम है, तो ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, जो यहाँ से आते हैं ना भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल। तो यहाँ पे एक भूमध्य सागर है आपको बता दूँ, जहाँ पे इस टाइम अभी फ़िलहाल के लिए इज़राइल का और उनका युद्ध चल रहा है ना, तो उसी के थोड़ा सा आगे जो है ना भूमध्य सागर है। तो वहाँ से जो पश्चिमी एशिया का जो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है ना, वहाँ से ये उत्पन्न होकर के आती हैं। क्या उत्तर पश्चिम जो मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएँ हैं वो। फिर नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम। तो यहाँ पे अमन, साली और अगहनी, जो यहाँ पे तीन जो हैं ये चावल के स्थाई जो है नाम यहाँ पे कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे विशेषता नहीं है पूछी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी जो विशेषता है वो नहीं है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों का वह क्षेत्र है, नहीं, इसमें दो से अधिक का जो विस्तार है, नहीं, यह प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, नहीं, तो यहाँ पे कोई भी जो आंसर है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये बहुत, ये जो जीटी त्रिवार्था हैं ये एक कह सकते हो जलवायु जो है, जलवायु के बहुत ही बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें दी जैसे एम का मतलब क्या है और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी घाट, ठीक है, किस प्रकार की जलवायु जो है वो पश्चिमी घाट की जलवायु को दर्शाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा समाचार न्यू इंडिया से संबंधित था। न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है वो किससे संबंधित था, वो एनी बेसेंट से संबंधित था। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे इसका राइट आंसर कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति इंपॉर्टेंट है, अश्विनी कुमार दत्त ने जो है इसका गठन किया था।
किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1929 में। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ में कौन था? यहाँ पे शुक्ला जी एक हैं, वो थे। यहाँ पे उनका नाम दिया नहीं गया, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक की बात कही जा रही है। तो मुझे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये नाम मुझे कुछ नए लग रहे हैं, तो मुझे जानकारी नहीं है। आप लोग एक बार यूट्यूब वहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? कि लंबी दाढ़ी अगर आप रखते हैं तो आप पे कर लगा दिया जाएगा, ठीक है? वहाँ भी आंदोलन हुआ था ये। किस षड्यंत्र के मामले में तीन अंग्रेज़ों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? मतलब कौन सा षड्यंत्र था या कौन सी साजिश थी जिसमें तीन अंग्रेज़ों को साजिश करने के लिए कारागार में बंद कर दिया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला था। नेक्स्ट है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो कालीकिंकर दत्त हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? पट्टाभि सीतारमैया जी को। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यहाँ पे उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था एंड 1956 में उनका जो है आई थिंक देहांत हो गया था, शायद यही सही है, आप एक बार चेक कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची वन को सूची दो से सुमेलित करें। तो सूची वन की यहाँ पे बात कही जा रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो ये तो चंपारण है, ठीक है। खेतिहर सत्याग्रह, तो यहाँ पे जो है ये खेरा हो जाएगा, खेतिहर मतलब खेरा। फिर कपास मिल मजदूर तो सम अहमदाबाद है। असहयोग आंदोलन जो कि है चौरी चौरा, तो यहाँ पे आप आंसर अपना देख लिए हैं। नेक्स्ट है कि कुछ प्रांतों में संसाधन की उपलब्धता है और संबंधित प्रांतों के नाम हैं, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो कौन कौन रहेगा? तो यहाँ पे सभी राइट आंसर ही हैं, ठीक है। जल संसाधनों की संपन्नता अरुणाचल प्रदेश और सब कुछ अपने अपने आपके सामने आंसर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, आर्टिकल 19A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, जब हिमालय की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर और कश्मीर और आसाम वगैरह कुछ भी नहीं होएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। भारत के केंद्रीय कारागार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो कार्ल मार्क्स ने इसको कहा था। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना जो है भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो संविधान एवं इसकी आधारभूत संरचना, ठीक है, और दूसरी है साक्षरता एवं शिक्षा विकास। ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ों की वजह से जो भारत में बहुत कठोर जाति व्यवस्था थी उसको लोप करने, मतलब उसको ख़त्म करने का मुख्य कारण माना जाता रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो जीन जैक्स रूसो जो हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? ठीक है, तो मतलब निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया? तो चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो 1801 इसका राइट आंसर है। सर्वशिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? हमारे प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे PM रह चुके हैं, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे पहला आपका कर्तव्य क्या है? यहाँ पे अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये नहीं है, ये है कर्तव्य की बात कही जा रही है यहाँ पे, अधिकार नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देश की एकता और अखंडता को कायम रखना और दूसरा यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। अन्नपूर्ण योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध एवं गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक हों। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने लिखा है, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ओडम के द्वारा जो है वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल दिया गया है।
एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%। SO2 प्रदूषण सूचित होता है लाइकेन द्वारा। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? लवणोद्भिद में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ओजोन है और दूसरा SO2 है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में है। IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है, ठीक है। निम्नलिखित तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम जो लिंडमान ने दिया था, क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे इसमें। नेक्स्ट है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, वो केरल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? लाइकेन। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत धान का खेत है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मीथेन बड़ी मात्रा में निकलती है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? मध्यमंडल का। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन। इटाई रोप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैडमियम की कमी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो वनस्पति उद्यान है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हम नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा उसमें मिलेंगे। आप लोग बताइएगा आज का ये सीजन कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।